कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों बिहार के बच्चे दर दर का ठोकर खाते रहे, पैदल चलते रहे, पूरा भारत में हम लोग हंसी के पात्र बन गए। नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले, कोई प्रयास नहीं किया कि उन बच्चों की मदद की जाए। प्रयास चाह रहे आज, थे इस्तीफा आज है? प्रयास चाह रहे थे कि इस्तीफा मतलब मैंने जब बंगले से बाहर नहीं निकले, इतने लाखों लोगों की मौत हो गई, आप कह रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप सीएम से इस्तीफा चाह रहे थे कि हम इस्तीफा मांगने वाले कौन है? मैं अपना जो मूल्यांकन है उस आदमी के बारे में वो बता रहा हूँ। मेरी अपेक्षा थी कि भाई मुख्यमंत्री होने के नाते जब बिहार के लड़के रोड पर 2000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, बाहर तो जाए। मैंने उस समय फोन पर बात भी किया है कि दिल्ली में लड़के फंसे हुए थे, मैंने उनको ये भी सलाह दिया कि भाई कम से कम कुछ अफसरों को यहाँ बैठा दीजिए बिहार भवन में, बस से यहाँ से लड़के जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लोगों को उठाकर यूपी बॉर्डर पर डंप कर दिया था। हजारों लोग तड़फड़ा रहे थे कि कैसे हम जाएं, और अगर बिहार सरकार ने 20 अफसरों को भी बैठा दिया होता दिल्ली में, 100 बसों की व्यवस्था कर दी होती तो सारी स्थिति सुधर सकती थी। उन्होंने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनका क्यों नहीं विरोध करेंगे? मैं और दूसरी बात, आपने जो कहा कि पहले किसकी मदद की, मैंने आपको पहले अपनी बात में कहा कि लोकतंत्र आपको ये बताता है कि आप जिस पर भी भरोसा करके मदद कर रहे कीजिए, लेकिन वो भरोसा 5 साल के लिए है। हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आप बंधुआ मजदूर बनकर जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन हमारी जो सोच है कि हमने आपकी मदद की, आप जीत कर आए, 5 साल आपको काम करना था, आप काम कीजिएगा तो आपकी मदद करेंगे, नहीं काम कीजिएगा तो जितनी ताकत भगवान ने हमको दी है उतनी ताकत से आपका विरोध भी करेंगे। उसमें मोदी जी भी शामिल है और नीतीश कुमार लालू यादव भी शामिल है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।